तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको इस जो एलईडी चार्जर लाइट है उसको रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इसका मेन प्रॉब्लम क्या है, इसका जो मेन स्विच है, ऑन ऑफ का जो स्विच है वो अंदर से टूट चुका है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऑन ऑफ स्विच अंदर से टूट चुका है, बट हमारा जो लाइट है प्रॉपरली ठीक है, काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इस स्विच को कैसे चेंज करते हैं फुल डिटेल्स में आपको बताएंगे। इजिली आप घर बैठ के भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से फुल देखना, इससे आपको कुछ भी सीख सकेंगे। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो ज्यादा बात ना करते, चलते वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इस जो मेन कवर है इसको खोल लेते हैं, फिर आपको इसके अंदर डिटेल्स में बताएंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा जो चार्जर लाइट का कवर था ऊपर का, वो खुल चुका है। तो फ्रेंड्स, फुल सेटअप को बाहर निकलते हैं, मतलब बैटरी, जो सर्किट बोर्ड, सब कुछ हम बाहर निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा सब कुछ बाहर आ चुका है। ये रहा हमारा एलईडी लाइट, और जो चार्जिंग का जो जैक है ये रहा हमारा, और हमारा जो बोर्ड है वो ये रहा, और हमारा एक बैटरी इधर रहा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इसका जो मेन स्विच है वो अंदर से टूट चुका है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इसको रिप्लेस करना आपको सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, सिंपल सा प्रोसेस में इसको रिप्लेस करना सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इसको पहले हम रिप्लेस कैसे करते हैं फुल डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले इसको कैसे रिप्लेस करते मैं उस टॉपिक पे आता हूँ, मतलब इसको कैसे रिप्लेस करते फुल डिटेल्स में आपको बताएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे इसको रिप्लेस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक वायर लेंगे, ये हमारा डिसोल्डिंग वायर है, मतलब जो सोल्डिंग है उसको डिसोल्डिंग करने के लिए, जो हटाने के लिए इस वायर आता है। तो मेरे पास है, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जो वायर है वो रहता है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर से हम क्या करेंगे, हम थोड़ा वायर काट लेंगे, इसको साइड में कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने इस तरीके से एक टुकड़ा काट लिया है, और इसको चिमटी की मदद से इस तरीके से हम पकड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर जब हम सोल्डिंग आयरन लगाएंगे तो बहुत हीट होगा, तो इसके लिए। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, हम सोल्डिंग आयरन ले लिया है, और इसको हम इधर से इसको इस तरीके से हम लगाएंगे। हमारा लाइट का लाइट ग्लो हो रहा है, क्योंकि हमारा जो वायर है एक साथ में अटैच हो रहा है इसके लिए। तो वीडियो में बने रहे, इससे आप कुछ भी सीख सकेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कुछ सोली रिमूव हो चुका है, इसके अंदर आ चुका है। तो इसी तरीके से हम करते, आप देखते रहे, देखेंगे तो सीखेंगे फिर। तो फ्रेंड्स, हमारा हो चुका है, देख सकते फ्रेंड्स, सोलर आयरन रिमूव करना। तो इसको धीरे धीरे से इसको हम बाहर निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये बाहर आ चुका है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा जो स्विच है वो इस तरीके से बाहर आ चुका है। तो सिंपल सा प्रोसेस में इसको आप रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो स्विच है उसको आसानी से आप रिमूव कर सकते हैं। मेरे पास भी उसी तरीके का कुछ स्विच है, ये देख सकते हैं। तो वो पुराना स्विच किधर है, ये रहा, इसका पिन है 1 2 3 4, मतलब 2 2 4 2 6 7 8, 8 पिन का स्विच है ये। तो इसके अंदर दो, ये देखिए फ्रेंड्स, ए स्विच और ए स्विच बिल्कुल एक ही है। तो फ्रेंड्स, हमारा स्विच मिल चुका है, इसको लगाएंगे हम। तो फ्रेंड्स, इस स्विच को लगाएंगे, एक ही स्विच है। तो सिंपल सा इसको इधर ही
इस तरीके से बिठा देंगे। तो फिर से देखिए हमारा जो स्विच है वो इस तरीके से बैठ जाएगा इधर, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स बैठ चुका है। तो अब हम इसको सोल्ड कर देते हैं सोल्डरिंग आयरन की मदद से। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा जो स्विच था वो लगाना कंप्लीट हो चुका है। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा थिनर डाल के इसको साफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमने साफ कर दिया है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो बैटरी का माइनस और प्लस था उसको भी लगा देंगे। माइनस प्लस देख के हम लगाएंगे, प्लस इधर हमारा। तो फिर से देखिए हमने माइनस प्लस को भी लगा दिया है बैटरी का। अब हम स्विच ऑन ऑफ करके देखेंगे काम कर रहा है क्या नहीं। तो फिर से देखिए, तो फिर से देखिए हमारा जो लाइट है प्रॉपरली काम कर रहा है और स्विच भी ठीक काम कर रहा है। तो फिर सिंपल सा प्रोसेस में इसको बनाना, तो फिर सिंपल सा प्रोसेस में इसको लगाना आपको सिखा दिया है, आप इजिली सीख सकते हैं। वीडियो को ध्यान से फुल देखना। तो फ्रेंड्स आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से फुल देखना, इससे आप कुछ भी सीख सकेंगे। फ्रेंड्स सिंपल सा प्रोसेस में इसको रिप्लेस करना आपको सिखा दिया है, स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे रिप्लेस करेंगे सिंपल सा प्रोसेस में। तो फ्रेंड्स आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से फुल देखना, इससे आप कुछ भी सीख सकेंगे, आपको ही फायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाना। तो वीडियो को फुल देखने के लिए धन्यवाद।